शहर के थाटीपुर इलाके में स्थित आरोग्यम द मेडिसिटी हॉस्पिटल में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला के पेट में दर्द रहता था, चिकित्सकों ने इसे बच्चेदानी का कैंसर बताया। बाद में अस्पताल के डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके महिला को ठीक करने का दावा भी किया। परिजनों ने जैसे तैसे पैसे इकट्ठा कर महिला का ऑपरेशन कराया, लेकिन महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि महिला कुसुम प्रजापति शिवपुरी के करेरा की रहने वाली है। अपने रिश्तेदार के यहाँ वो रुककर इलाज करा रही थी, वो दिव्यांग भी थी। जानकारी के मुताबिक आरोग्यम द मेडिसिटी हॉस्पिटल में इलाज कराने आई महिला को डॉक्टर ने बच्चेदानी का कैंसर बताया। अस्पताल प्रबंधन की ओर से बताया गया कि महिला को टांके लगी है और इसे कटवाने के लिए उन्हें कुछ दिन बाद आना होगा। परिवार के लोगों के मुताबिक सोमवार को भी वो महिला को अस्पताल लेकर आए थे। टांके के काटने के बाद उसे ऑटो में परिजन अपने रिश्तेदार के यहाँ ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही महिला की तबीयत खराब हो गई और महिला की जो है मौत हो गई। हमने इनको भर्ती कराया था, आज से 17-18 दिन हो गए। कुसुम प्रजापति हमारी नंद है, मैया ससुर की लड़की हैं, विकलांग हैं। उनका बच्चेदानी में थोड़ी खराबी आ गई थी तो यहाँ पे ऑपरेशन कराया था उनका। आज हम उनके टांगे कटाने आए थे, दो बार और ड्रेसिंग कराने भी आए हैं पहले, तो आज टांगे कटाने आए थे। तो उनने उनके ना टांगों के ऊपर थोड़ा फोड़ा टाइप का भी हो गया था, उसको भी दिखवाया हमने। ना ही ऑक्सीजन है, ना ही कोई डॉक्टर है, ना ही कुछ है। जैसा कोई पेशेंट आता है उसी हिसाब से डॉक्टर बुला लेते हैं और ट्रीटमेंट करवा देते हैं। तो हमने यहाँ ग्वालियर दिखाया आरोग्य में, यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती कराया। उन्होंने बोला ऑपरेशन होगा, तो हमने कहा ठीक है ऑपरेशन होगा तो बता दो जो भी खर्चा आएगा। तो इन्हें बोला खर्चा आएगा हम देंगे, तो इन्हें ऑपरेशन भी कर दिया। अब 10-15 दिन बाद ये बोले कि छुट्टी कर दो इनकी और घर पर रखो और ट्रीटमेंट के लिए आते रहना। तो हम रोज ट्रीटमेंट कराने आते जाते रहते थे, एक दो दिन में। आज बोले कि टांगे कटा लो आप, तो टांगे कटा लिए। टांगे कटाने के बाद जैसे घर गए उनकी स्थिति बहुत गंभीर हो गई। घटनाक्रम जो हमको सूचना मिली थी कि यहाँ एक मरीज की डेथ हो गई है, और जब हमारी टीम यहाँ पर आई तो पूरा अस्पताल स्टाफ यहाँ से गायब है, कोई भी बयान देने को आगे नहीं आ रहा है। उन लोगों को फोन से संपर्क भी किया जा रहा है पर वो फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं, स्विच ऑफ किए हुए हैं। और यहाँ पे मरीजों के अटेंडर और मृतका पेशेंट लेटी हुई है, और मरीजों के मृतका है यहाँ पे और मरीजों के अटेंडर हैं और मीडिया कर्मी और पुलिस स्टाफ है। एक कुसुम प्रजापति हैं, इन रिश्तेदारों का कहना है कि 15 दिन पहले लगभग इसी अस्पताल में ऑपरेशन हुआ था, जिसके टांके कटवाने लोग आज यहाँ आए थे। ऐसा दोनों पक्षों से थोड़ा बात की गई, स्टाफ से भी, तो उनका कहना है कि दो टांके काट के ये घर चले गए थे। फिर लेकिन इनका कहना है मृतका के पक्ष से कि वो घर तक भी नहीं पहुँचे, रास्ते में इनकी हालत ख़राब हो गई और एक्सपायर हो गए।